हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज बनाते हैं उपास की खीर। आज एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है। ये वीडियो शायद आपको कल मिले, लेकिन अभी तो उपास चालू हो रहे हैं, सावन के भी सोमवार आ रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए 1 लीटर दूध है, ये काऊ मिल्क है, ये तल मखान का लावा है, शक्कर है, इसको बहुत लोग यहाँ खारिक भी बोलते हैं और हम लोग छुआरा बोलते हैं, छुआरा है, ये बादाम है और ये काजू है, इसको बारीक काट के लिया है। तो चलिए बनाते हैं उपास की खीर। तो देखिए, गैस पे एक कढ़ाई रखी है हमने, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे क्या होगा, दूध तले पे लगेगा नहीं। और ये जो दूध लेके हमने रखा था, ये 1 लीटर दूध है, इसको इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए, दूध बॉयल हो रहा है हमारा। एक तरफ ये जो लावा है, इसको हम लोग हल्का था रोस्ट करके ले लेंगे, कुछ डालेंगे नहीं घी, ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करके इसको ले लेंगे। तो देखिए, रोस्ट हो रहा है, 5 मिनट हो गया इसको रोस्ट करते हुए। रोस्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इसको दूध में डालेंगे तो खाने में दांत में चिपकेगा नहीं। अगर कच्चा रहता है तो थोड़ा दांत में चिपकता है, इसके लिए इसको रोस्ट करके ले लेंगे। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, बस इसको इतना ही भूजेंगे, अब इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए, दूध में उबाल आने लगा है, बस इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और थोड़ा दूध गाढ़ा होने देंगे। अब इसी में हम लोग थोड़े से केसर के इसे डाल देंगे, थोड़ा इससे कलर अच्छा आता है। तो बस ऐसे ही दूध पकने देंगे, थोड़ा और गरम होके थोड़ा और दूध जल जाए, फिर उसके बाद इसमें हम लोग लावा डालेंगे। तो देखिए, दूध पकते 5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम लोग ये जो रोस्ट करके लावा रखा है ये डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा तोड़ के भी ऐसे डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डालेंगे तो वो तो खोल के गर्म ही होके एकदम अपने आप गल जाता है। तो बस इसको डाल के इसको पकने देंगे। उपास में खाइए, इससे थोड़ा पेट भी भरता है और ताकत भी आती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, अभी तो सावन के सोमवार चालू होने वाले हैं, तो ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है, कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो बस ऐसे ही इसको पकने देंगे हम लोग। तो देखिए, अच्छे से खोल रही है, अब इसी में हम लोग शक्कर डाल देंगे। तो ये 5 चम्मच शक्कर है, इसको डाल देंगे और दूध को बीच में चलाते हुए पकाएंगे। जैसे कॉर्नर में ये दूध लगता है तो इसको ऐसे निकालते जाएंगे और ऐसे ही पकने देंगे अभी इसको। तो देखिए, दूध हमारा आधा पक चुका है, आधा हो गया है और खीर भी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। बस अब इसमें हम लोगों ने जो ये मेवे काट के रखे थे ये डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसको घी में हल्का रोस्ट भी, फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सादा भी डालेंगे तो अच्छा लगता है। बस इसको थोड़ी देर और हम लोग पकने देंगे। एक बार बनाइए ज़रूर, एक बार सुबह आप अगर इसको उपास में खा लेते हैं तो पूरे दिन एनर्जी रहेगी। तो ऐसे ही इसको बस थोड़ी देर और पकने देंगे हम लोग। और अगर चैनल पे नए हैं या वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, बस ऐसे ही इसको 10 से 5 मिनट और पकने देंगे। तो देखिए, खीर हमारी बनके तैयार है। बस देखिए, इतनी गाढ़ी हम लोग रखेंगे, क्योंकि ठंडी होगी तो थोड़ी गाढ़ी और होगी। बस हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए, खीर हमारी बनके तैयार है, अब इसको हम लोग एक बाउल में निकाल देंगे। झटपट बन जाती है, तो उपास में ट्राई जरूर कीजिए। बस ऐसे ही सारी खीर निकाल के ले लेंगे हम लोग। तो देखिए, बनके तैयार है हमारी उपवास स्पेशल खीर। तो घर में बनाइए ज़रूर, एक बार ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगा। बहुत कम समय लगता है,
लेकिन सबके लिए अच्छा है, उपास रहो, एक बार खा लो तो थोड़े टाइम तक ताकत रहती है। अभी तो श्रावण के सोमवार भी चालू होने वाले हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। और इस खीर को अगर आप ठंडा करके खाएंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा लगता है, तो एक बार बनाइए ज़रूर और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी। थैंक यू।